बिना प्याज और बिना लहसुन का बर्गर कहाँ मिलेगा, तुझे कुछ पता है क्या? अरे मैकडोनाल्ड्स ने उनका नया रेंज लॉन्च किया है, ये तेरे लिए परफेक्ट है। मैंने आपके बर्गर के बारे में सुना है, नो गार्लिक नो ऑनियन, जैन फ्रेंडली मेन्यू, नो गार्लिक नो ऑनियन। हाँ तो मुझे उसके बारे में जानना है कि वो कैसे होता है। हमारे कोऑपरेट शेफ है, उनसे आप बात कर सकते। थैंक यू। वेलकम शेफ, हमारे साथ बा है, इनको अपने जैन फ्रेंडली मेन्यू के बारे में जानना है। बा जय श्री कृष्ण, केम छो? बस मजा मां। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, कम आई शो यू द भाई, आपका एप्रन और ये मेरा एप्रन, प्लीज कम। ओके बा रेडी? ओके कम। सो बा तुम्हारा स्वागत है हमारा मैकडॉनल्ड्स का किचन में। थैंक यू थैंक यू। ये हमारा वेज सेक्शन है, ये दुनिया का पहला किचन है मैकडॉनल्ड्स का जहाँ पे वेज सेक्शन और नॉन वेज सेक्शन अलग अलग है। हम लोग बड़ी सावधानी से हम वेज कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते हैं और ये फ्राई स्टेशन है और यहाँ पे हमारे पैटी भी सारी सब यहीं पे फ्राई होती है। पैटी फ्राई होने के बाद हम लोग यहाँ पे अल्ट्रा हीटिंग कैबिनेट से यहाँ पे हम इसको स्टोर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम लोग अपना ग्लव्स पहनते हैं, तो ये ग्लव्स है, आप पहले ग्लव्स पहन लीजिए। यहाँ पे हम सारे पैटी स्टोर करते हैं, प्लीज इसको ओपन कीजिए। हमारे चीज पैटी, तो आप डालिए, एक दो तीन और चार, वेरी गुड, एंड प्रेस। नाउ वी विल वेट फॉर द पैटीज टू गेट फ्राइड। जब तक ये पैटी फ्राई हो रहे तब तक हम लोग यहाँ पे बर्गर की तैयारी करते हैं। तो आप पहले बन डालिए, बन टोस्टर यहाँ पे है। तो ये चीज बर्गर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोस्टेड चिपोटले सॉस। अच्छा, यहाँ पे गन लीजिए। तो हम सॉस मारेंगे पहले दो तरफ। आप थोड़ा हैलोपिनो डालिए, छह पीस हैलोपिनो इस पे डालिए, यहाँ पे डालिए, परफेक्ट। पुट सम लेट्यूस, आप थोड़ा लेट्यूस डालिए, ओके परफेक्ट। यहाँ तक आपको एक खास बर्गर बनते हुए देखने का मौका मिल रहा है जो वाकई ही मजेदार है। सुबह ये हमारा मक चीज मेन्यू के सारे ऑप्शंस है, आप प्लीज इसे ट्राई कीजिए। चैन फ्रेंडली में बर्गर है, कॉर्न डेजर्ट में फ्लरी है, वी हैव अ मक चीज, चीज इज डीप एज वेल। वाह, ये खाने का स्वाद ही कुछ और है। आपने ये जैन बनाने का आइडिया कैसा है आपने? हमारा उद्देश्य यही है कि हम मैकडॉनल्ड्स की पोजीशनिंग एज ऑल फॉर वन ब्रांड को और मजबूत कर सकें। हमारा मकसद ये है कि हमारे रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर्स आए उनको उनके टेस्ट के मुताबिक, उनके प्रेफरेंस के मुताबिक, उनके हिसाब से वो फूड आइटम्स मिले। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो दिन के किसी भी समय में और या हमारे पास आए तो उनको स्नैकिंग से लेके हेवी मील तक और सारे साइड से लेके कॉफ़ी और कई तरह के बेवरेजेस के ऑप्शन भी मिले। हमारे जैन फ्रेंडली मेन्यू में ना ही अनियन है, ना ही गार्लिक है और ना ही किसी प्रकार की कोई रूट वेजिटेबल्स है। सो जो भी कोई भी चीज़ों को, इन चीज़ों को अपने डाइट में से शामिल नहीं करना चाहता है उनके लिए आई थिंक हमारा ये जैन फ्रेंडली मेन्यू परफेक्ट है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट एवरीबडी कैन हैव एंड आई थिंक इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। हाँ, मैं आपके मैकडोनल्ड में आई, आपका जैन फ्रेंडली फूड खा के मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बा, आप आज आप मैकडोनल्ड में आए, हमारे साथ मैकडोनल्ड किचन में काम किया, आपने खुद अपने हाथों से अपने बर्गर बनाए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण। आप भी मैकडोनल्ड में आइए, जैन फ्रेंडली मेन्यू देखिए और जैन फ्रेंडली फूड मंगाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।